राजकीय बल्लभ महाविद्यालय मंडी के एनसीसी एयरविंग के 10 कैडेटों को एनसीसी एयरविंग स्क्वाड्रन के दिशा निर्देश पर पदोन्नत किया गया। वहीं सादे व गरिमापूर्ण माहौल में प्राचार्य डॉक्टर शर्मा व एनसीसी एयरविंग अभिरक्षक सहायक प्रोफेसर डॉक्टर चमनलाल क्रांति सिंह ने एनसीसी एयरविंग कैडेटों को कॉर्पोरल व लीडिंग फ्लाइट कैडेट के रैंक प्रदान किए। राजकीय बल्लभ महाविद्यालय मंडी के प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि एनसीसी एयरविंग मंडी एनसीसी एयरविंग के अभिरक्षक सहायक प्रोफेसर डॉक्टर चमनलाल क्रांति सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने पदोन्नत उन्हें कैडेट्स को बधाई दी और उनके सुनहरे भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कैडेट अंडर ऑफिसर सिमरन मल्होत्रा ने एनसीसी एयरविंग मंडी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। आपको बता दें कि एनसीसी एयरविंग कैडेटों ने कोरोना वॉरियर ड्यूटी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली, प्रधानमंत्री रैली दिल्ली, संस्थागत प्रशिक्षण, युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य किया है। आज वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एनसीसी एयरविंग की ओर से एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया हुआ। काफ़ी समय के बाद कोई एक्टिविटी हमारे कॉलेज में शुरू हुई है, क्योंकि सभी भली भांति परिचित हैं कि COVID-19 की वजह से हमारे कॉलेज में शैक्षणिक, एकेडमिक और एडमिशन प्रोसेस ये भी एक तरह स्टैंड स्टिल हुआ। ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस हमने इस साल किया हुआ है और क्लासेस वगैरह भी अभी तक ऑनलाइन ही चली हुई हैं। और इसी कड़ी में जो भी हमारी गतिविधियां थी, जो कॉलेज में जो रेगुलर गतिविधियां थी, वो भी नहीं हो पाई। तो इस कड़ी में आज मुझे खुशी भी हो रही है कि छोटी सी गतिविधि आज हमारी शुरू हुई एनसीसी एयरविंग की, जिसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ये प्रमोट हुए हैं। इनमें जो कैडेट कॉर्पोरल जो हैं ये बने लीडिंग फ्लाइट कैडेट्स में। मैं इनके नाम रीड आउट कर देता हूँ। कैडेट कॉर्पोरल अजय, कैडेट कॉर्पोरल वनिता, कैडेट कॉर्पोरल ईशा, लेफ्टिनेंट तानु चौधरी, लेफ्टिनेंट जगृति सैनी, लेफ्टिनेंट निकिता, लेफ्टिनेंट साहिल राणा, अक्षय, देन आयुष शर्मा एंड लास्टली कैडेट कॉर्पोरल जयप्रकाश। जैसे मैंने अभी बताया कि ये लीडिंग फ्लाइट कैडेट्स के रूप में ये प्रमोट हुए। इन बच्चों ने जो है ऑनलाइन कुछ एक टेस्ट थे उनको क्वालिफाई किया और डिफरेंट गतिविधियों में इन्होंने हिस्सा लिया। और उन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनकी जब इवैल्यूएशन हुई तो इवैल्यूएशन के आधार के ऊपर इन्हें फर्दर प्रमोशन दी गई। मैं इन सभी कैडेट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करते हूँ कि जैसे इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, आने वाले समय में ये इससे भी अधिक मुकाम हासिल करें और इस कॉलेज का, इस प्रदेश का, इस देश का नाम रोशन